आज जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है DJI OM4। ये एक स्मार्टफोन गिम्बल है और इसको हम लोग अपने फुटेज सिनेमैटिक्स और हम लोग घर पे जो शूट्स करेंगे, जो बी रोल हो गए या सिनेमैटिक्स हो गए, ट्रैवल लॉग हो गए, वो सब चीज़ों के लिए। और अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। मैंने OM4 लिया है, OM5 भी अवेलेबल था पर मुझे वैल्यू फॉर मनी OM4 ही लगा, OM5 ज़्यादा महंगा मिल रहा था मेरे को। तो फिलहाल अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। अच्छे से पैक करके दिए ना, क्योंकि टूटना नहीं चाहिए। तो इतना अच्छे से पैक भी नहीं करना चाहिए, बोले ही ना दिक्कत हो। फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं मीडियम में। तो इसके ये साथ इतना फ्लैट, तो ये पहली चीज ये मिली है हम लोग को, फ्लैट जिसके अंदर है वो। ये क्या है? ये है कवर, दिखा जिसके अंदर आएगा। और ये इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शन बुक्स है जब पढ़ना, जिसमें चाइनीज में लिखा है वो तुम पढ़ो, इंग्लिश वाला मैं पढ़ लूंगा। ये क्या है? मगर चाइनीज आती भी नहीं है। पूरा इंस्ट्रक्शन गाइड है, पूरा इंस्ट्रक्शन गाइड है। और मिला है ये हैंडल, ये क्या है? अच्छा वो हाथ में पकड़ने वाला, जब भी माही के हाथ में देना तो इसके साथ में देना, इसके लिए दिया ये ताकि टूटे ना वो। और अब आएगा हीरो अपना किम्बल। ग्रेश कलर का गिम्बल है, इसको ऐसे जोड़ना है। इस गिम्बल के बाद जो वीडियोस बनेंगे वो काफी अच्छे से बनेंगे, इसके प्रैक्टिस स्टेबल रहेंगे, चीजें रहेंगी। अब इसको कनेक्ट करें, काफी हेवी है। ये इसका मैग्नेटिक क्लैंप है। हाँ। ये है अपना ऊपर का क्लैंप लगाने के लिए, मोबाइल पे लगाने के लिए। ये अगर बहुत पतला है उसको एडजस्ट करने के लिए रबर दिए। और ये है इसका ट्राइपॉड जो उसके नीचे यहाँ पे कनेक्ट होगा, अभी नहीं कनेक्ट करते हैं बाद में। और ये जब ये खुलता है तो ये ऐसे खुलता है, तो ये स्टैंड हो सकता है। कैसे दिखो, दिखो? ऐसे। ऐसे? अच्छा हाँ, ये यहाँ पर से खुलने की जगह है, पर ये इतना फ्लैट है। स्टैंड करना है ना, वजन है इसमें, वेट है, इसकी वजह से इसको इतना वो किया हुआ ताकि इसका मूवमेंट भी रहेगा, जो इससे हिले ना। अच्छा ग्रिप है, नीचे रबर दिया हुआ है, ग्रिप अच्छा है। और साथ में जो हमको मिला है वो है USB-C केबल जो चार्ज कर सकता है। तो अभी हम लोग इसको माउंट करते हैं। ये इसका क्लैंप है, बैंड है जो इसका मैग्नेटिक बैंड लग गया। हाँ बस ऐसे एक बार लगाना है सेंटर में, उसके बाद इसको चल जाइए। और ये क्या, इससे कुछ क्या होता है? अब हम लोग इसको स्विच ऑन करेंगे। अरे वाह कितना मस्त है ये,
तो ये गिम्बल फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा तो इसमें अपना इंस्टाग्राम वाला मोड हो गया जिसमें हम लोग रील बना सकते हैं, क्योंकि आजकल इतना फेमस हो रहा है कि स्टार्ट वो लोग इसी से करते हैं। लेकिन अगर हम लोग को वीडियो बनाना है, अभी तो कुछ इंस्ट्रक्शन पता नहीं है। हाँ, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मोड हो गया, तो हम लोग इसमें अपना नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस और ये सब चीज़ें या अपना ये कर सकते हैं, जॉयस्टिक है इससे हम लोग टिल्ट विल्ट कर सकते हैं, साइड टिल्ट कैसा भी चीज़ कर सकते हैं, और अपना आराम से व्लॉग कर सकते हैं। इसमें कई मतलब मोड है, इसमें हम लोग ये मोड है कि लॉक हो रहता है कितना भी मूव करो, जिसके पीछे जो ट्रिगर दिया है इससे होता है ये काम। यहाँ पे जो बटन दिया है इससे हम लोग को जूम इन जूम आउट होता है, यहाँ से यहाँ रिकॉर्ड बटन है जो हम लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तभी ये काम करेगा, ये सारे फीचर्स और ऐप में काम करते हैं। लेकिन अगर हम फिलहाल ये फॉलो मोड में है तो इसलिए फॉलो कर रहा है जिस तरफ मैं मूव करूंगा। हाँ बोलो। अगर हमको कुछ ऐसे आराम दिखाना पड़ेगा तो ये ऐसे मूव कर सकते हैं क्या पूरा? हाँ, इसको जैसा मूव करोगे वो फॉलो करता है हमारा, झटके से नहीं करता आराम से करता है, इसलिए इसको फॉलो मोड कहते हैं। जैसे हम लोग मूव करेंगे वैसे ही मूव करेगा, लेकिन मैं फास्ट मूव करूंगा तो भी स्लो स्लो करके मूव करेगा। अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा तो धीरे धीरे ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे ऊपर आएगा, और एकदम स्टडी रखना है तो इसके पीछे ट्रिगर दिया है, इसको अगर मैं प्रेस करके रखूंगा तो फिर ये स्टडी रहेगा। प्रेस करके इतना पड़ेगा? हाँ, तो इसको लॉक मोड कहते हैं, तो सारे एक्सेस लॉक रहेंगे, ये सीधा रहेगा चाहे उसको कितना घुमा दो, कैमरा स्टेबल रहेगा, वो रोटेट नहीं होगा। अच्छा, ये तो अच्छा है काफी। इसलिए तो होता है ये। हमने 4 और 5 बोला, और अगर हम लोग को तो उसमें डिफरेंस क्या है? इसको नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिक रोटेट हो जाता है ये, ताकि हम लोग को नीचे वाले ऐसे शॉट जो होते हैं सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं हम लोग ऐसा ले सकते हैं। इसको सीधा करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सीधा हो जाता है। लेकिन 4 और 5 में डिफरेंस क्या है? 4 और 5 में डिफरेंस ये है कि 4 में इसके साथ एक वो मिलता है अपना ट्राइपॉड में जैसे रहता है, हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंडिंग रॉड मिलता है उसमें, लेकिन उसकी वजह से उसकी बैटरी छोटी है तो उसका बैटरी टाइम कम हो जाता है। लेकिन एक्सटेंडिंग रॉड मिलता है जिससे हम लोग और एक क्रेन शॉट लंबे लंबे शॉट ले सकते हैं, और उसका जो ट्रैकिंग है वो एक वर्जन अच्छा है, इसमें 3.0 है, उसमें 4.0 है, और एक्स्ट्रा फीचर में थोड़ा बहुत ऐप है जिसमें लर्निंग ऐप उसके अंदर दिए हुए हैं। अच्छा। लेकिन उसके लिए डबल पे करना वो मुझे सेंसिबल नहीं लगा, बाकी जो स्टेबलाइजिंग है वो तो सेम है दोनों की 4 और 5 की, तो इसलिए मुझे लगा कि वैल्यू फॉर मनी 4 ही है, 5 में इतना एक्स्ट्रा फीचर नहीं है जिसके लिए उसके लिए डबल पेमेंट किया जाए। अगर 1000-2000 एक्स्ट्रा होता तो फिर OM5 ही बेटर होता, पर ये फिलहाल 9000 के रेंज के आसपास आ रहा है अभी 3 मार्च में, और जो OM5 है वो 15000 के रेंज पे है, तो फिलहाल मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर 12000 या 11000 के रेंज में रहता तो मैं OM5 को चूज़ करता OM4 के ऊपर। तो इस अनबॉक्सिंग को फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं, एक वीक यूज़ करने के बाद नए शॉर्ट्स के साथ मैं इसका एक नया रिव्यू दूंगा। बाय बाय।